इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी स्पॉट पर जहाँ जाम लगा हुआ था, और यहाँ पर एडीएम सिटी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मध्यस्थता का रास्ता निकला, किस तरीके से ये लोग हटे और क्या घोषणा की गई। सर आपका स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया में। और सर ये बताइए किस तरीके से ये लोग माने हैं, क्या घोषणा हुई है और कैसे यहाँ से सब जाम को हटाए। सबसे पहले तो जिला प्रशासन की पूरी सहानुभूति परिवारों के साथ थी, और आईजी सर, कमिश्नर मैम ने, डीएम सर और एसएसपी सर ने ज्वाइंटली परिवारों से अलग अलग वार्ता की, और फिर जो उनके बीच जो मांगे तय हुई उसको सर लोगों ने डिसाइड किया, और लास्ट में ये घोषणा हुई कि उनके प्रत्येक परिवार को मतलब 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनके परिवार से मृतक हैं उनके अगर बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा होगी पूरी जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते हैं। जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनका इलाज फ्री होगा, और अगर उनका पैसा कुछ लगा है तो भी जिला प्रशासन उसको वापस करेगा। इसके साथ साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई है, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 4 लोगों में छापामारी चल रही है, बाकी विवेचना का विषय है। आईजी सर ने संपत्ति कुर्क तक की बात कही है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल आईजी सर, कमिश्नर मैम और डीएम सर, एसएसपी सर डोर टू डोर जाएंगे, और जैसे जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार और भी निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर आवास नहीं है तो हम आवास पर भी विचार करेंगे। जो ठेकेदार थे बताया जा रहा है उन पे कई ठेके चल रहे हैं इस तरीके के, और किस तरीके से ना ठेके मिले, क्या इस बात की जांच की जाएगी कितने ठेके थे? मैंने आईजी सर की घोषणा बता दी, उसमें इतनी सख्त कार्रवाई कुर्क तक की है, तो वो सब जांच का विषय है और सख्त कार्रवाई होगी, आपको पता लगेगा। बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई होगी। एडीएम सिटी गाजियाबाद शैलेंद्र सिंह का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोगों को 10 लाख रुपए देने की बात, मकान देने की बात, फ्री शिक्षा देने की बात और निशुल्क इलाज कराने की बात है, उन बातों पर सहमति बनी है, और काफी देर के बाद, काफी घंटों के बाद इस जाम को खोला गया है। और जो मेरठ गाजियाबाद, ये कह सकते हैं देहरादून दिल्ली हाईवे था, उसको पूर्ण रूप से फ्री हैंड कर दिया गया, खोल दिया गया है। ऐसे में जो आवागमन था ट्रैफिक का वो शुरू हो चुका है। अपने सहयोगी शहजाद मलिक, बाबर चौहान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।